even get to cross. Hey guys, once again, welcome back to SIP Reviews. तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पांच बहुत ही धमाकेदार एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज। इन वेब सीरीज में आप लोगों को दबा के एक्शन और एडवेंचर का एलिमेंट देखने को मिलने वाला है, और इस एक्शन और एडवेंचर को देखने के बाद आप लोगों की यकीनन गूज़बम्प्स आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काउंटडाउन को बिना किसी देरी के। लेकिन काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इन सारी की सारी वेब सीरीज के डाउनलोड लिंक्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे पास नंबर 5 पर आने वाली वेब सीरीज का नाम है विलो, जिसे रिलीज किया गया था साल 2022 में। इस वेब सीरीज के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है लोरा नाम की एक लड़की की, जो कि एक बहुत बड़ी जादूगरनी होती है, लेकिन उसके दूसरे जन्म के बाद उसे जादू बिल्कुल भूल चुका होता है, उसे कोई भी जादू याद नहीं होता। और यहीं पर हमें देखने को मिलती है क्रॉन नाम की एक ऐसी बूढ़ी जादूगरनी, जो कि इस लड़की को मारकर इसके जादू पर कब्जा करना चाहती होती है, क्योंकि उसे इसके जादू के जरिए इतनी ताकत मिल जानी थी जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकती है। अब ये बूढ़ी जादूगरनी यानी कि क्रॉन अपने बहुत सारे क्रिएचर्स को और जादूगरों को भेजती है लड़की को मारने के लिए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। और आखिर ये इतना आसान क्यों नहीं होता, क्या वो इस लड़की को मार भी पाते हैं या नहीं, ये सब आपको पता चलेगा इस वेब सीरीज को देखने के बाद। बस इतना कहूंगा कि इस वेब सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, और भर भर के इसके अंदर जो आप लोगों को एक्शन और एडवेंचर का एलिमेंट देखने को मिलेगा वो बहुत ही कमाल का है। इस वेब सीरीज को आप लोग देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आराम से, जिसे की IMDb पर रेटिंग दी गई है 5.7/10 की। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज की तरफ, जिसका नाम है द लेटर फॉर द किंग। इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया था साल 2020 में, और इसमें आप लोगों को बहुत ही तगड़ा किस्म का एक्शन और एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। इस वेब सीरीज की स्टोरी रिवील करती है अराउंड एक लड़के के, जिसका नाम होता है ट्यूरी, जो कि एक नाइट बनना चाहता है और एक किंगडम में जाता है इसी चीज के लिए। और वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट करने के बाद ये लड़का फंस जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद इसके पास एक ब्लैक नाइट का बंदा आता है, जो कि इससे हेल्प मांगता है, और ये कुछ बिना जाने और सोचे समझे उसकी हेल्प करने को निकल पड़ता है। और वो ब्लैक नाइट मरते मरते इस लड़के को एक लेटर देकर जाता है, जो कि वो कहता है बहुत ही अहम है और इसे राजा के पास किसी हाल में भी पहुंचाना है। ट्यूरी वो लेटर लेकर राजा की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जो कि ये अफवाह फैला देता है कि नाइट को मारने वाला वही ट्यूरी लड़का ही है। और यहीं से स्टोरी में आता है ट्विस्ट और स्टार्ट होता है इसका एक्शन और एडवेंचर। इस वेब सीरीज के अंदर काफी अच्छी सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है, काफी अच्छी इसकी स्टोरी है, जो कि आप लोग को काफी पसंद आने वाली है। तो इसे एक दफा ट्राई लाजमी दीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वेब सीरीज को IMDb पर रेटिंग दी गई है 6.0/10 की। तो हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज का नाम है हिज डार्क मटेरियल्स। इस वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन रिलीज किया गया था साल 2019 में, और अब तक इसके 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को इसकी स्टोरी बताने से पहले ही बता दूं कि ये वेब सीरीज आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बहुत ही जबरदस्त किस्म के एडवेंचर एक्शन और फैंटेसी की वजह से आप लोग इसे इंग्लिश में भी देखने पर मजबूर हो जाओगे। इस वेब सीरीज के अंदर हमें मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हमें स्टोरी देखने को मिलती है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर लोगों ने अपने साथ एक डीमन रखा होता है, और ये डीमन इनका एक जानवर की शक्ल में होता है जिससे इनको ताकत मिलती है। और इस पर बेस्ड एक और मूवी भी है जिसका नाम है गोल्डन कंपस, तो उसे भी एक दफा ट्राई दे लीजिएगा, वो भी आप लोगों को काफी पसंद आएगी, जो कि इसकी स्टोरी से मिलती जुलती है। खैर, दोबारा वापस आते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी की तरफ। तो इन डीमन्स में एक ऐसा डीमन होता है जिसका नाम होता है फॉग डीमन, जो कि एक बहुत ही अजीब तरीके से बच्चों को किडनैप करने लगता है। और अब इन बच्चों को ढूंढने के लिए काम दिया जाता है कुछ लोगों को, जिनमें से एक होती है लायरा, और यहीं से स्टार्ट होता है इस वेब सीरीज का बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्शन एडवेंचर और साथ में वो कमाल की फैंटेसी। दोस्तों, मैं आप लोगों को पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि इस वेब सीरीज को एक दफा ट्राई लाजमी दीजिएगा, नो मैटर ये इंग्लिश में है, आप लोगों को ये यकीनन पसंद आएगी और आप लोग इसे जरूर ट्राई दीजिएगा। और इसे IMDb पर रेटिंग दी गई है 7.8/10 की। तो अब हम आ चुके हैं अपनी टॉप 2 की वेब सीरीज की तरफ, और टॉप 2 की वेब सीरीज बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोग न्यू क्रिएटर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जरा सब्सक्राइबर्स की तरफ तो देखिए। अगर आप लोगों को मजीद ऐसी रिकमेंडेशन चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की मूवीज और वेब सीरीज लेकर मैं आऊं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज की तरफ, जिसका नाम है एंडोर, जिसे रिलीज किया गया था साल 2022 में। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की स्टोरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है कासा नाम के एक शख्स की, जिसकी बहन गुम गई होती है, और उसको ढूंढने के लिए वो निकलता है और एक बार में जाकर पहुंचता है। और जब वो बार में अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता है और किसी से पूछताछ कर रहा होता है, तो वहां पर 2 पुलिस वाले आकर उसे बड़े गौर से देखने लगते हैं, और कासा अपनी पहचान को छुपाते हुए वहां से निकल पड़ता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसके पीछे आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। और इसी हाथापाई के दौरान कासा के हाथ से गोली चल जाती है, जिससे वो दोनों पुलिस वाले वहीं पर मारे जाते हैं, और यूनिवर्स की पुलिस इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। और यहीं से शुरू होता
है इस वेब सीरीज का बहुत ही जबरदस्त किस्म का साइफाई एक्शन एडवेंचर। इस वेब सीरीज की स्टोरी भी काफी ज्यादा कमाल की है और उसके अंदर जो साइफाई और एक्शन एडवेंचर है वो बहुत ही आउट क्लास किस्म का है। आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा, इसे एक दफा ट्राई लाजमी दीजिएगा। इस वेब सीरीज को IMDb पर रेटिंग दी गई है 4.8/10 की। तो बढ़ते अपनी फर्स्ट एंड लास्ट वेब सीरीज की तरफ जिसका नाम है फॉलआउट, जिसे रिलीज किया गया रिसेंटली साल 2024 में। इस वेब सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्शन और एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। अगर बात करूं इस वेब सीरीज की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है उस टाइम की जबकि सारी की सारी दुनिया तबाह हो चुकी होती है एटमी धमाकों की वजह से और उसके बाद बचे हुए इंसान जमीन के ऊपर ही अपने वोल्ट बनाकर अपनी रेगुलर लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि इंसानियत का दस्तूर है कि कुछ न कुछ ऐसे लोग वहां पर भी मौजूद होते हैं जो कि बाहर मौजूद इंसानों को लूटने और मारने का काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो आउट क्लास किस्म का एक्शन और एडवेंचर है उसकी शुरुआत वहां से होती है जब कुछ इंसान धोखे से वोल्ट के अंदर घुसकर उसके मालिक को किडनैप कर लेते हैं और बाकी सबको मार देते हैं। अब जिस शख्स को ये लोग किडनैप करते हैं उसकी बेटी ये ठान लेती है कि उसने अपने बाप को बचाना है और वो आ जाती है जमीन के ऊपर। और इसके बाद इस वेब सीरीज में आखिर क्या होगा, वो लड़की अपने बाप को बचा भी पाएगी या नहीं, ये सब तो आपको पता चलेगा इस वेब सीरीज को देखने पर। इस वेब सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्शन, घमासान किस्म की लड़ाई और बहुत ही जबरदस्त किस्म का एडवेंचर भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो इसे एक दफा ट्राई लाजमी दीजिएगा, आप लोगों को यकीनन ये 110% पसंद आने वाली है। और इस वेब सीरीज को IMDb पर रेटिंग दी गई है 8.4/10 की। दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत ही जबरदस्त किस्म की 5 धमाकेदार वेब सीरीज जो कि यकीनन आप लोगों को पसंद आई होंगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन वेब सीरीज को नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ हेड की और जबरदस्त किस्म की एक्शन कोरियन वेब सीरीज के लिए राइट वाली वीडियो और 2024 की जबरदस्त किस्म की वेब सीरीज के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।